ये त्रासदि सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण, अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन, उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहाँ के पीड़ितों के साथ है। देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।